5G सर्विस की शुरुआत को लेकर पिछले कई समय से चर्चाएं गर्म है। अब केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में 5G सेवा की लॉन्चिंग को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सेवाओं की शुरुआत के समय का ऐलान कर दिया है। चलिए, कब होगी 5G सर्विस की शुरुआत और क्या है सरकार का प्लान, विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही दूर संचार कंपनियां इस संबंध में काम कर रहे हैं और तकनीकी इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। मंत्री के अनुसार देश में अक्टूबर के अंत तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि दूर संचार उद्योग 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बता दें, 5G सेवाओं की कीमतें काफी अफोर्डेबल रहने वाली है, ऐसा हम नहीं केंद्रीय मंत्री वैष्णव खुद कह रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में भी वैसा कह चुके हैं। उनका कहना है कि देश में अक्टूबर महीने में 5G सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। उस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारत का टेलीकॉम मार्केट दुनिया में सबसे सस्ता मार्केट है। देश में 5G सेवाओं की कीमतें भी अफोर्डेबल होंगी, आम आदमी भी 5G सेवाओं का लाभ ले पाएगा। दरअसल अभी तक 5G प्लान्स की कीमत का ऐलान किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 5G के प्लान्स 4G की तरह आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हालांकि इनमें अंतर जरूर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में 5G प्लान की शुरुआत मौजूदा 4G प्लान की तुलना में 10 से 12% महंगे हो सकते हैं, लेकिन एयरटेल के CTO रणदीप सिखौन ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले कहा था कि अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो 5G और 4G मार्केट में ज्यादा अंतर नहीं है, तो भारत में भी 5G प्लान्स ऐसे ही आ सकते हैं। वहीं 5G प्लान को लेकर पहले ये सवाल भी उठ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नुकसान हो सकता है, जिस पर साफ तौर पर मंत्री वैष्णव ने कहा था कि हमारे यहाँ रेडिएशन का लेवल अमेरिका और यूरोप से भी 10 गुना कम रहेगा, जिससे यहाँ रेडिएशन का खतरा नहीं रहेगा। ऐसे में बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को इस सुविधा के लिए अब कुछ ही समय और रुकना होगा। सरकार ने तो पूरी तरह कमर कस ली है। आपको बता दें, देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो चुकी है। देश में कुल 150,173 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है। जियो ने 87,986.93 करोड़ रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी एयरवेज का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया। देश की 3 कंपनियों ने सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, जिसमें रिलायंस जियो ने 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, भारतीय एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और वोडाफोन आइडिया ने 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। नई कंपनी के तौर पर अदानी डाटा नेटवर्क भी 5G की दौड़ में शामिल हुई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।